फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बरसात का मौसम आया, सभी किस्म के पकोड़े हम लोग खा चुके हैं। अब ये जाते जाते अलविदा बारिश है, तो क्यों ना हम एक और पकोड़ा ट्राई करें। इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई उड़द दाल के वड़े रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें और रेसिपी को एक बार मेरे कहने से ट्राई ज़रूर करें। अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वड़ा बनाने के लिए हमें उड़द की दाल चाहिए, जिसे हमें कम से कम 4-5 घंटे के लिए अच्छे से वॉश करके भिगोना है। उसके बाद हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे छन्नी में रख के। इसमें कुछ भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ी थोड़ी दाल को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करते जाएंगे। इसका हमें दरदरा सा पेस्ट बनाना है, इस तरीके का। क्योंकि उड़द की दाल थोड़ी चिकट होती है, तो इसे पीसने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो अगर ज़रूरत हो तो आप 1-2 टेबलस्पून इसमें पानी के ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें, यह हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें, बहुत सारा लहसुन और 1 चम्मच जीरा ली हूँ। इसका हमें दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। यहाँ आप मिर्ची आपकी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। दाल में हमें कुछ स्पाइसेस ऐड करना है। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड की हूँ। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से। सारा हरा धनिया को बारीक बारीक कट करके अच्छे से वॉश करके ऐड की हूँ। और जो हमने मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। दाल और मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इसमें मैं अब थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं। और इसे फिर से एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर दे। हमें इसके वड़े बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ एक प्लास्टिक ली हूँ। प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा सा हमने पानी लगाया है। और जितना बड़े साइज का आपको वड़ा चाहिए, उतना बड़ा पोर्शन लेके प्लास्टिक पे रखेंगे और हाथों को पानी में डिप करके उंगलियों की मदद से इसे फैलाते जाएंगे और छुरी से इस पर हल्का सा निशान मार देंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। तो ये हमारा वड़ा बिल्कुल रेडी है, इसे अभी हमें फ्राई करना है। इसी तरीके से हम सारे वड़े बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, बट बटर पेपर सभी के पास नहीं होता, इसलिए मैंने आपको प्लास्टिक पे बनाकर बताई। इसे अभी हमें फ्राई करना है, जिसके लिए यहाँ मैंने पहले से ऑयल को अच्छा गर्म कर ली हूँ। और इसमें इस तरीके से हम वड़े को ऊपर से छोड़ते जाएंगे। ये प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से करें। पहले उंगलियों को पानी में डिप कर लें, उसके बाद ही वड़े को हाथ में लें, ताकि वो आसानी से कढ़ाई में छूट जाए और ऊपर से ही इसे कढ़ाई में छोड़े। इसी तरीके से हम सारे वड़े बना के फ्राई कर लेंगे। मैं आपको एक और वड़ा बना के दिखा देती हूँ। हर बार आपको प्लास्टिक पे थोड़ा सा पानी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्लास्टिक पे भी चिपकने लगता है। और उसके बाद उंगलियों को भी पानी में डिप करके इसे फैलाना। यहाँ हमारे वड़े एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट इसे फुल फ्लेम पे फ्राई करना है, जिससे ये ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और लास्ट के 2-3 मिनट इसे आप स्लो फ्लेम पे फ्राई कर ले, जिससे अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते, इनकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिससे ये अंदर से भी सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं। तो इसे आप थोड़ा सा ज़्यादा वक्त के लिए फ्राई करें, जिससे ये अंदर से भी कच्चे ना रहे। और ये हमारे वड़े बनके बिल्कुल रेडी है। देखिए, देखने में कितने टेस्टी और यम्मी लग रहे। अब हम इनका तेल निथारते हुए इन्हें साइड में निकाल लेंगे। को निकाल के थोड़ी देर के लिए पेपर टॉवल पे रखते, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो पेपर टॉवल सोक कर लेगा। एक किस्म के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन ये वड़ों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करें। जब तक आप रेसिपी को ट्राई नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा वो कितने टेस्टी। प्लीज़ रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।